राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किश राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किश राधा कृष्ण जीवने मरणे गति आर नहीं मो जीवने मरणे गति ठीक है जीवने मरणे गति आर नहीं मो जीवने मरणे गति क्या हो रहा है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किश राधा कृष्ण कालिंदीरा कुले खिली कदम्बेरा बना कालिंदीरा कुले केली कालिंदीरा कुले केली कदम्बेरा बना कालिंदीरा कुले केली रताना बेदीरा बसावधुजना रतना रतना बेदीरा उपार बसावधु जाना बस राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किश राधा कृष्ण श्याम गौरी अंगे दिवा चंदनेरा गंध श्याम गौरी श्याम गौरी अंगे दिवा चंदनेरा गंधा
श्यामार ढुलब कबे हेरिब मुख चंद्र श्यामार राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण गथिया मालतीर माला दीब दोहर गले गथिया माल तीर माला गथिया माल तीर माला दीब दोहर गले गाथिया अधरे दुलिया दीब कर्पूरता मूले अधरे राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण ललिता विशाखादी जत सखी वृंदा ललिता विशाखादी ललिता विशाखादी जत सखी वृंदा ललिता भी आज्ञाय करीब सेवा चरण रविंद आज्ञाय राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दाशरनु दश श्री कृष्ण श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दाशरनु दास सेवा भी लाश करे नरतम दास सेवा भी लाश करे
नरोत्तम दास सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण जीवाने मा प्राणे गति आर नहीं मो जीवाने राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण जय राधा वेणु माधव सखी राधा वेणु माधव सखी जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज जय पंचतत्त्व जय पंचतत्त्व जय जय प्रभुपाद शील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव शील गुरुदेव नीताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की गिरिराज महाराज की पंचतत्व भगवान की शील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की निताय गौर शितनाथ प्रमानंदे ओम ज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्लितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुसुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा
रघुनाथानि तं तं सजीवं साधितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिताशिविशाखानितंश्च हे कृष्णकरुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरी यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवं ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण श्री श्री राधा वेणु माधव भगवान गिरिराज महाराज पंचतत्व भगवान श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से मानव जीवन रख दीजिए अभी नहीं और मत जाइए मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी भगवान की मंगलमय चरित्र को अवगाहन करने का परम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज भगवान की एक विशेष उत्सव पे जो विशेष उनका श्रृंगार होता है और इसका पीछे कारण क्या है इसके पीछे हमारी गौड़ीय परंपरा का क्या रख दीजिए ना मर्मता जी रख दो हारमोनियम और नहीं तो इस संदर्भ में हमारे गौड़ीय परंपरा की जो मान्यता है उस तत्व संदर्भ कथाओं को तथा इसकी मूल रहस्य इसके पीछे क्या है इसको अवगाहन करने का हम चेष्टित करेंगे। तो चंदन यात्रा अर्थात चंदन शीतलता का प्रतीक होता है, चंदन शांति का प्रतीक होता है, चंदन प्रेम का प्रतीक होता है, चंदन उत्सव का प्रतीक होता है एवं चंदन सम्मान का प्रतीक होता है। इस विधि से वैदिक शास्त्रों में कहा गया चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन पवित्र है, पापनाशनम पाप को नाश करने में परिपूर्ण रूप से समर्थ है। तो इसके पीछे कारण क्या है और चंदन की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। मूलभूत रूप में जो चंदन है प्रथम चंदन जो है सर्वश्रेष्ठ चंदन की मान्यता हरी चंदन को बताया गया है। हरी चंदन कर जो भगवान के संदर्भ में जो गीत रचना किया गया है तो उस संदर्भ में कहा गया है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी तिलक धारण करते हैं ललाट पटले और नासाग्रे बरमुक्तिकम और कंठे च मुक्तावली सर्वांग हरिचंदनम, सर्वांग में हरिचंदन व्याप्त है भगवान का।
तो चंदन की भी विविध वर्ण होता है, विविध स्वरूप होता है। और जो मलयागिरी का चंदन जो विशेष करके आज के समय में बहुत प्रसिद्ध ही है, तो वो चंदन वो श्वेत चंदन होता है। और एक रक्त चंदन भी है, रक्त वर्ण जिसका है। और हरिचंदन, हरिचंदन का वर्ण भी गौर वर्ण आता है, एक श्याम वर्ण आता है। तो हरिचंदन है क्या? तो मूल चंदन जो है हरिचंदन ही है। हरिचंदन से ही अन्य चंदनों का समय के क्रम में, आवश्यकता के क्रम में उसका उत्पत्ति हुआ है। तो हरिचंदन क्या है इस संदर्भ में? पुराणोक्त परंपरा में यह प्राप्त होता है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र गोलोक बिहारी श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में विहार लीला कर रहे थे। उसी समय विहार करते करते वे श्रीमती राधारानी की निवृत्त निकुंज स्थित यमुना का जो प्रांत है वहाँ पे प्रवेश किए। तो राधारानी अपनी समस्त सखी मंजरियों के सहित आमोद में एवं कृष्ण स्मरण में स्मरित होते हुए स्नान आदि क्रियाएं कर रहे थे। तो तत्पूर्व वे उबटन, अंगराग आदियों का लेपन सखी मंजरी उनको कर रहे थे। उसी बीच में राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जब निवृत्त निकुंज में प्रवेश हुआ यमुना के प्रांत में, तो वे राधारानी लज्जित एवं संकुचित हो गई एवं प्रेम उन्माद में भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं भगवान राधारानी को दिव्य अंग में अंगराग, दिव्य औषधि एवं दिव्य जो लेपन है आदियों को करने लगे। प्रेम विकार में परिपूर्णा लाधिनी शक्ति श्रीमती राधारानी परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य करकमल को प्राप्त करके आह्लादित एवं प्रमोदित हुई। तो उसी में भगवान के प्रति जो अनुराग की जो विशेष स्थिति है, वह स्थितियों का व्यावहारिक स्वरूप में भी, वैसे आध्यात्मिक जगत में कोई व्यावहारिकता नहीं रहता है, सब तत्वगत क्रिया ही होता है। तो उस अंगराग में श्रीमती राधारानी का वह भाव, वह प्रेम, वह अति उन्माद अष्टसात्विक विकार उसमें परिप्रकाश हुआ। तो उन अंगरागों को, उन दिव्य लेपनों को भगवान संग्रह जब किए और एक मूर्ति का अर्थात एक विग्रह का निर्माण किए, तो उस विग्रह का निर्माण करने के उपरांत युगल स्वरूप श्रीमती राधारानी एवं वेणु माधव मिलित रूप में उनकी वक्षदेश में, उस मूर्ति के वक्षदेश में जब अपनी दिव्य करकमल को स्थापन किए, तो भगवान की दिव्य स्पर्श से, श्रीमती राधारानी की दिव्य स्पर्श से वह श्री विग्रह जीवंत हो गई, जिसमें श्रीमती राधारानी का अंग गंध एवं उनकी अंतरंग भावों का परिपूर्ण जो सात्विक विकार उपस्थित था। तो वो जो देवी प्रकट हुई, दिव्य देवी, वे हैं वृंदा देवी, वे हैं वृंदा देवी, तुलसी देवी। अर्थात तुलसी की जो सुगंध है, जो व्यावहारिक रूप से भी हम सब भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद प्राप्त करते हैं, वह श्रीमत, कोई पूछे तो श्रीमती राधारानी का अंग गंध क्या है आघ्राण के दृष्टिकोण में, नासिका के आघ्राण के दृष्टिकोण में, तो वो श्रीमती तुलसी महारानी की दिव्य मंजरियों का जो प्लावित जो पुष्प कमल है, वह उसका दिव्य सुगंध है, श्रीमती राधारानी का अंग कांति का। इसी कारण भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, वे मस्तक में ही भी तुलसी जी को लगाते हैं। देही पद कमल मुदारम, राधारानी की चरण कमल को भगवान जो है अपने मस्तक में धारण करते हैं। तो इसी क्रम में तुलसी को भी जगन्नाथ जी के मस्तक में प्रदान किया जाता है, शालिग्राम के मस्तक में प्रदान किया जाता है, और समय के क्रम में भगवान श्याम सुंदर वेणु माधव को भी उनकी मस्तक में दिया जाता है, विशेष करके उनके चरणों में दिया जाता है। भगवान की जो नित्य श्रृंगार होता है नित्य लीला में एवं वृंदावन विहार लीला में, क्योंकि ये वृंदा जो वन है तुलसी का ही वन है पूरा।
आप आश्चर्य मानेंगे, नित्य लीला के क्रम में, शास्त्रोक्त पुराणोक्त के क्रम में एवं आचार्यों की अनुभूति के क्रम में यह प्राप्त होता है। एक एक तुलसी की जो पौधा है वो एक एक योजन तक व्याप्त हुआ है उच्चता में, एक एक योजन। और उसी क्रम में अन्य तुलसी की पौधाएं भी छोटे से लेके बड़े तक हैं। एक एक तुलसी पौधा में जो पुष्प मंजरी आता है वो मंजरी लगभग आधा आधा किलोमीटर का होता है, और उनमें जो पुष्प आते हैं पर्पल कलर का जो पुष्प होता है लगभग एक एक माने क्या बोलते हैं बड़े बड़े जो कद्दू जैसे आकार के पुष्प हैं। तो इतना विशाल तुलसी भी है और छोटे छोटे तुलसी भी है पौधा के क्रम में जो हम देख प्राप्त हैं। वैसे हम व्यवहारिकता में लगभग 8 फीट तक की हाइट का तुलसी भी देखे हैं। इस वृंदावन उड़ीसा में देखे हम तो 8 फीट वहाँ नित्यलीला के क्रम में तो है ही, नित्यलीला के क्रम में तो है ही। तो लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं। दक्षिण भारत में एक जगह पे बहुत ऊंचा तुलसी है लगभग 11-12 फीट तक कहते हैं, हम तो देखे नहीं हैं लेकिन कहते हैं। तो तुलसी जो है ये भगवान का अत्यधिक प्रिय है। गोलोक वृंदावन में एवं भौम्य वृंदावन में भी तुलसी पर्याप्त रूप से व्याप्त है। क्यों? तुलसी का ऐसे तुलसी महारण का प्राकट्य गोलोक वृंदावन में हुआ। इसी क्रम में भगवान जहाँ पे भी लीला विलास करते हैं, राधा रानी कहते हैं कि वृंदावन को छोड़ करके, गिरिराज जी को छोड़ करके और यमुना जी को छोड़ करके मैं जाऊँगी नहीं। तो इसी कारण जहाँ पे भी भौम्य वृंदावन की लीला प्राकट्य स्थली होता है वहाँ पे कम से कम वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जाना माने आना उस ब्रह्मांड में धार्य है, नितांत है। तो वृंदावन का अर्थ है कि वृंदा का वन, अर्थात तुलसी पौधा का वन, तुलसी वृक्ष का वन, अर्थात श्रीमती राधा रानी की अंग कांति जहाँ पे परिपूर्ण रूप से व्याप्त है सुगंधि के क्रम में। यहाँ पे सब राधा 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 है, राधा ध्वज अंकित है, यहाँ ध्वजाएँ लगे रहते हैं, प्रत्येक पत्ता से, फूलों से एवं चर अचर प्राणियों से राधा 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 नाम का निरंतर उच्चारण होता रहता है। तो यह राधा अंकित श्री वृंदावन धाम है, राधा के जो अंग की अंग का अंग गंध जो है इस वृंदावन में प्राप्त होता है। राधा रानी का सौंदर्य दिव्य आभा प्रत्येक वन उपवन से लेकर के सब में उनकी प्राप्त होता है। तो जो कदम का जो वृक्ष है राधा रानी का माने स्वरूप के माने जो केली कदम का जो स्वरूप है राधा रानी की दिव्य गौर अंग अंग कांति के स्वरूप का वह उल्लास को मानव प्रचारित करता है। इसलिए भगवान केली कदम की पौधे को, पेड़ को या फूल को बहुत प्रेम करते हैं। एवं तमाल जो वृक्ष है भगवान वेणुमाधव का स्वरूप का प्रतीक होता है। इसलिए राधा रानी भगवान की विरह में तमाल को वृक्ष को प्रेमालिंगन करती थी। तो इस प्रकार से राधा रानी की अंग गंध का स्वरूप के क्रम में वृंदा देवी एवं तुलसी देवी का प्राकट्य है। इसी कारण जब इनका 3 स्वरूप है वृंदा देवी का, एक तो आदि दैविक स्वरूप, एक आदि भौतिक स्वरूप एवं आध्यात्मिक स्वरूप। तो वृंदा देवी विशेष करके किसी भी सखी मंजरी, गुरु सखी या यथेश्वरियों की जो भी सेवाएं होता है वे समस्त माधुर्यगत सेवाओं में, लालित्यगत सेवाओं में, कांतगत सेवाओं में मुख्य भूमिका निर्धारित करती है। अर्थात कह सकते हैं श्रीमती राधा रानी ही अभिन्न स्वरूप में वृंदा देवी के रूप में प्रकट हुई हैं। राधा रानी का अंग कान अंग गंध ही वृंदा देवी के रूप में अभिन्न प्राकट्य हुआ है। तो उसी क्रम में जो आदि दैविक स्वरूप है कई बार देखा गया पुराणों में, जैसे वृंदा देवी के रूप में उनका प्राकट्य हुआ है जिसमें वे जलंधर नामक राक्षस से विवाह किए आदि दैविक स्वरूप में, देवी स्वरूप थे। और वहाँ पे भगवान क्योंकि जलंधर की, जलंधर जो पंजाब में जो जलंधर है उसी स्थान की ही अब कथा है। हाँ, जो जलंधर जो है ना, हाँ तो जलंधर उसी स्थान में जलंधर का राजमहल था। हाँ जलंधर, तो हाँ तो वहाँ पे उनकी जो प्राकट्य क्रम हुआ था
उसी सूत्र में वे बड़े उत्पाती थे एवं पृथ्वी पे से लेकर के स्वर्ग पर्यंत उनका प्रभाव था, तो उनकी मृत्यु शिव जी के द्वारा लिखित था। लेकिन वृंदा देवी बड़ी सती नारी थी, आदि देवी देव, मैंने एक्चुअली आगे चल करके लीला क्रम होने वाला था, इसलिए आदि देवी के स्वरूप में वे एक राक्षस से विवाह किए। लेकिन उनके सतीत्व के बल पे जालंधर को हत्या नहीं करा जा रहा था, हत्या नहीं कर पा रहे थे भगवान शिव। तो इसी क्रम में सब देवताओं ने यह निर्णय लिया कि भगवान शिव जाकर के वृंदा का सतीत्व का हरण करेंगे, तब जाकर के इसकी सतीत्व की में जो व्यावहारिक जो दोष लगेगा तब जाके जालंधर का। वैसे तो वृंदा देवी अनादि दिव्य दंपति भगवान कृष्ण के ही स्वरूप के, तो इसमें आदिदेविक स्वरूप में नारायण के भी माने नायिका है। इसी क्रम में उनका नित्य मिलन तो धार्य था ही, तो व्यावहारिक सूत्र में जो लीला सूत्र में जो शालिग्राम भगवान का प्राकट्य होना था, इसी क्रम में यह लीला हुआ। पहले शालिग्राम थे नहीं, तो जब भगवान विष्णु जलंधर का वेश बनाए, व्यावहारिक रूप से तामसिक शरीर को धारण किए, इसलिए उनमें कठोरता आया। भगवान कोमल है, नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम, तो इनमें कठोरता आया किसमें, भगवान में। क्योंकि यद्यपि यह जगत हित के लिए किए, आगे चलकर के शालिग्राम का प्राकट्य का हेतु बना और भगवान का वृंदा देवी का विवाह जैसे हम कार्तिक महीने में देखते हैं, वह सब क्रियाएं सम्मिलित था इस लीला के सूत्र में, परंतु व्यावहारिक रूप से यह माने सांसारिक धर्म के अनुसार यह सही नहीं था। इसी क्रम में उनको श्राप लगना भी धार्य था और उसी श्राप के सूत्र में शालिग्राम का प्राकट्य होना था, तो इसलिए उन्होंने कठोरता का स्वरूप बनाया, इसलिए वो शिला बन गए। शिला कठोर होता है, तो क्योंकि वे एक राक्षस का स्वरूप बनाए, इसलिए उनको आगे चल करके उसी राक्षस के द्वारा ही वो उनकी कटाई छटाई हुई शालिग्राम की, जिससे शालिग्राम का प्राकट्य होता है। तो उसी क्रम में तो वो हो गया वो सतीत्व हरण जब कर लिए। बाद में जब भगवान नारायण स्वरूप में आ गए तो वृंदा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि उन सतीत्व धर्म को गरिमा को खंडन हुआ, तो वे श्राप दे दिए कि आप शिला बन जाएंगे, आप शिला बन जाए आप, क्योंकि आप पाशविक धर्म को प्राप्त किए, कठोरता को प्राप्त किए। तो इसी सूत्र में जो वृंदा देवी जो है वो क्या हुआ ना, उनकी श्राप के क्रम में भगवान नारायण को शिला बनना पड़ा, शालिग्राम शिला बनना पड़ा। आज के समय में भी जो शालिग्राम शिला जो है वह काली गंडकी नदी जो है, जो हिमालय से निकला हुआ है काली गंडकी नदी, तो उसकी दामोदर कुंड में वह प्राप्त होता है, जो नेपाल प्रांत में है जहाँ पे भरत महाराज भी तपस्या किए थे। शालिग्राम वहाँ पे स्वतः प्राप्त होता है, जैसे राधारमण विग्रह है शालिग्राम से ही प्रकट हुए हैं। तो वहाँ पे पद्धति क्या है, वहाँ पे जाएंगे तो वो स्नान करेंगे, तर्पण करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो वो बहुत तेज प्रवाह होता है। आप अभी भी देखेंगे दामोदर कुंड में जो काली गंडकी का जो प्रवाह है बहुत तेज, बहुत क्षिप्र प्रवाह है। तो उसी क्रम में पत्थर शिलाएं ऐसे बहता जाता है, तो जो हस्त में आ जाएगा भगवत कृपा से वही शालिग्राम जो है वह प्राप्त योग्य होता है। तो इसी क्रम में तो शालिग्राम जो स्वरूप है तो प्राकट्य हुआ। जो जरासंध जो है, सॉरी जलंधर जो है, उस क्योंकि वो राक्षस था, आसुरिक प्रवृत्ति में था, तो उसी क्रम में उसको जो द्रोह था उसी को वो वज्रकीट नामक कीड़ा के रूप में उसका जन्म हुआ, और वही उस शिला को काटता है जिसके द्वारा, और उसकी दांत में स्वर्ण है, सोना है, उसमें दांत में क्या है, सोना है। तो जब वो काटता है वो कीड़ा ऐसा माने प्राकृतिक स्वरूप में भी काटता है, तो उसी क्रम में वो उस शिला में स्वर्ण लिपिबद्ध हो जाता है। अभी भी शालिग्राम स्वरूप में जो शिला जो है उसमें स्वर्ण प्राप्त होते हैं, स्वर्ण प्राप्त होते हैं। तो इसी क्रम में ये भगवान की विशेष लीला संगठित हुआ, जगत में शालिग्राम का प्राकट्य हुआ। तो
जो कि नित्य वृंदा देवी की, माने शालिग्राम में तुलसी हमेशा ही अर्चित होता है, चर्चित होता है, एवं वृंदा देवी इस प्रकार से आदि दैविक स्वरूप में उनका प्रकट्य हुआ और आदि भौतिक स्वरूप में, आदि भौतिक स्वरूप में पौधा के रूप में, वृक्ष के रूप में जगत में सेवा के क्रम में उनका प्रकट्य हुआ। तो उसी सूत्र को देखा जाएगा तो इनका यह आदि भौतिक स्वरूप है जो व्याप्त है सर्वत्र, तो व्याप्त है और सर्वत्र व्याप्त है, विशेष करके भारतवर्ष में तो व्याप्त है ही, परंतु आचार्यों के क्रम में विदेश, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे तुलसी पहले विदेश में था नहीं, तो वे तुलसी जी को लेके कर गए एवं अभी विश्व में सर्वत्र लगभग, चाहे देखा जाए तो टेम्परेचर के क्रम में हम देख रहे थे, ठंडा होने के बाद भी कृत्रिम वह घर करके उसमें उनको संरक्षण किया जा रहा है। अब विशेष करके जो वृंदावन जो है इस प्रकार के दिव्य तुलसी पौधा से परिपूर्ण रूप से यह व्याप्त है और उसी राधा रानी का अंग गंध होने के कारण, राधा रानी का वो अंग गंध होने के कारण वह तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी की माला भगवान हर एक दिन श्रृंगार में निरंतर धारण करते ही करते हैं, निरंतर वनमाला जिसमें 5 पुष्प होते हैं एवं तुलसी की एक माला, ये कितने भी भगवान आभूषण धारण कर दे, कौस्तुभ मणि धारण कर ले या अन्य कोई भी अलंकार को धारण कर ले, परंतु भगवान तुलसी माला एवं वनमाला निश्चिंत रूप से धारण करते हैं। वैसे ही चरणों में भी तुलसी की माला लगता है, पुष्पमाला लगता है, पैंजन लगता है, हस्त में भी तुलसी की माला लगता है और एक घुटनों पर्यंत फैला हुआ वनमाला एवं तुलसी माला लगता है और नित्य क्रम में, माने वो आध्यात्मिक जगत में भी यह उनका श्रृंगार का नित्य यह शैली है। परंतु जो तुलसी डाल के जो भोग लगाया जाता है इस जगत में वो भी भगवान को अत्यधिक प्रिय, इसी क्रम में आचार्यों ने तुलसी को अर्पित किया, अर्थात राधा रानी ही भगवान की भोग में पर्यवसित होती है। लेकिन भाव, ये एक भाव है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता नहीं, तुलसी डाल के भोग नहीं लगाया जाता वहाँ पर, नहीं इस भौम जगत में, भौम वृंदावन में नहीं होता ऐसा, ऐसे ही लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे प्रिया प्रियोत्तम को खिलाते हैं उसी प्रकार से ही वह लीला संगठित होता है। तो जो भी हो, इस प्रकार से जो उसके उपरांत जो चंदन जो है, उस जो आदि भौतिक स्वरूप जो है किसका, वृंदा देवी का, अर्थात राधा रानी का अंग गंध का जो आदि भौतिक स्वरूप है वह, वो अप्रकट के उपरांत, अर्थात उनकी जो लकड़ी है, सूखी लकड़ी जो है, अप्रकट के उपरांत जो जो सूखी लकड़ी बच जाती है, एक तो भक्त लोग उसको कंठी माला करते हैं और छोटी छोटी और आरती की बत्तियों में भी उसका प्रबल प्रयोग उसका होता है, परंतु जो मोटा जो डंडा रहता है जैसे अभी घिस रहे थे, वो उसको जब घिसा जाता है और वो जो चंदन निकलता है उसको हरी चंदन कहते हैं। हरी चंदन अर्थात जो चंदन हरी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तुलसी की सूखी लकड़ी का चंदन। तो इसी क्रम में इसमें वैसे व्यावहारिक सूत्र में आज के समय में तुलसी की जो सूखी लकड़ी में इतना सुगंध नहीं व्याप्त हो रहा है, परंतु पहले ज़्यादा व्याप्त होता था, समय के क्रम में इसकी गुणवत्ता जो है व्यावहारिक रूप से घटती जा रही है, परंतु वह जो तुलसी की जो चंदन, शीतल चंदन जो है भगवान को जो लगता है श्रीअंग में, अत्यधिक प्रिय है। कहा गया है हरी चंदन अगर कोई भगवान के चरणों में लगाएगा तो उसका कोई मोल ही नहीं है, भगवान कह सकते हैं कि इसका मोल चुका सकें, उसका कोई मोल ही नहीं, वो ऋणी हो जाते हैं। वैसे भी कहा माने विक्रीडितम, वे बिक जाते हैं, कोई अगर तुलसी प्रेम से भाव से अपराध रहित होकर के लगाता है तो विक्रीडितम, तो वे बिक जाते हैं। तो इस प्रकार के क्रम में भगवान की यह जो चंदन की प्राकट्य गोलोक वृंदावन में भी हुआ, अर्थात हरिचंदन के क्रम में, और इसी क्रम में भौम वृंदावन त
तथा आज के समय में जो भक्त समाज में सर्वत्र इसको प्राप्त, यद्यपि इस संदर्भ में बहुत लोग जानते नहीं, अवगत नहीं हरिचंदन के संदर्भ में। और उसी आधारशिला पर अन्य चंदनों का भी प्राकट्य हुआ है। मूल आधार हरिचंदन है, तदुपरांत चंदन का अर्थ क्या है, कोई भी गुणवत्ता जो लकड़ी है उसको जल के द्वारा पाषाण में जब घिसेंगे तब उसकी जो डस्ट है और वो एक एक्चुअली आयुर्वेदिक तरीका से, जैसे आप अगर माने कोई कहेगा कि सूखी लकड़ी को काट देंगे छोटा छोटा करके और उसको ग्राइंड कर देंगे और उसी को चंदन पाउडर बना करके, तब वो गुणवत्ता नहीं रहेगा। पत्थर में जब रविंग होगा, घिसाई होगा उसका और पानी के द्वारा, तब उसमें वो गुणवत्ता आता है। चंदन में शीतलता बहुत होता है, चंदन खाने योग्य है, चंदन की पानी को ग्रहण किया जाता है, ऐसा कहा गया। जो भगवान श्रीअंग में चंदन लगाते हैं उसके उपरांत जो संध्या काल में उनका स्नान होता है उसको जो पान करता है श्रद्धा से, उसका समस्त रोग भी चला जाता है, समस्त रोग का निराकरण हो जाता है और शरीर में विशेष शीतलता को प्राप्त होता है चंदन की द्वारा। तो इस क्रम में अन्य चंदनों का भी प्राकट्य हुआ, जो शीतलता का, शुरुआत में कहे शीतलता का, शांति का, सौहार्द का, प्रेम का, सम्मान का यह प्रतीक होता है। तो इसी क्रम में विशेष करके भारतवर्ष के जो मलयागिरी नामक एक स्थान, मलयागिरी नामक स्थान है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में है वो, तो वहाँ पे पूरा जैसे लता पताएं, जैसे थोड़ा थोड़ा घास जैसा हमारे यहाँ हो जाता है, जैसे यहाँ पे कह सकते बबूल की कांटा, बबूल की कांटा इतस तत जहाँ तहाँ होता है, वैसे ही वहाँ पे वो होता रहता है चंदन, चंदन का लकड़ी। लेकिन चंदन की लकड़ी में एक विशेष गुण यह है, जब तक मलयागिरी का जो मलय पवन भी एक है हवा, वो मलय पवन जब तक स्पर्श नहीं होता है उसमें सुगंधता वृद्धि नहीं होता है। और विशेष करके देखा जाए इस चंदन की क्रम में नीम का जो लकड़ी होता है, नीम का लकड़ी को भी अनेकों वर्षों तक जो मलय चंदन लग जाता है वो चंदन में परिवर्तित हो जाता है। हम तो व्यावहारिकता में उसको सुगंध को ग्रहण किए, वो चंदन कौन सा चंदन, जो जगन्नाथ जी का विग्रह जो होता है वो नीम की लकड़ी से होता है, तो वहाँ पर मंगला देवी के यहाँ स्वप्नादेश होता है और उसी क्रम में वह जो भक्त लोग वहाँ पे स्वप्नावती मंत्र का जप करने के बाद उपरांत वो मार्ग को प्राप्त करते हैं, वो दिशा को प्राप्त करते हैं। तदुपरांत वे जा करके उस लकड़ी की जो वृक्ष शाखाओं को तोड़ते हैं, जिसको एक स्पर्श माने को वहाँ पे विविध प्रकार का कर्म किया जाता है, विविध प्रकार का पूजा किया जाता है और विशेष लक्षण होते हैं, उसमें सर्प होता है, श्मशान के पास होना चाहिए, मंदिर के पास होना चाहिए, कोई पक्षी उसमें अपना घोंसला नहीं करना चाहिए, विविध कंडीशन रहता है उसमें। वो सेटिस्फाई होने के बाद भगवान जगन्नाथ जी का जो है सात ही शाखा रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बलदेव का 5 शाखा और सुभद्रा जी का 3 शाखा, इस प्रकार की विशेष चिन्हों से अंकित वह चंदन का शरीर, तो नीम का पेड़ रहता है। लेकिन और विशेष गुण रहता है, वो चंदन जैसा सुगंध करेगा, वो चंदन जैसा सुगंध करता है वो लकड़ी, क्योंकि मलयागिरी का जो मलय पवन को स्पर्श करते करते और भगवत इच्छा से ही वो नीम चंदन का स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। बहुत विशेष होता है वो, लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा नीम निकलता है जो चंदन हो। वैसे चंदन का वृक्ष तो इटसेल्फ होता है, हम यह भी देखें चंदन का पेड़ होता है लेकिन मलय पवन प्रवेश नहीं करता है तो उसमें सुगंध नहीं आता है। हाँ नहीं प्रकट होने बहुत मैंने व्यावहारिकता तो देखी नहीं होगी, जैसे ये नीम पेड़ है वैसे ही है, लेकिन सालों से वो रहता है, मिनिमम 300-400 साल पुराना पेड़ रहता है वो, बहुत मोटा। हाँ तब जाके क्यों, और मलय पवन ऐसा चूज करता है मैं किसको लगूं या ना लगूं, ऐसे भगवान की आयोजन है, यहाँ पे आएगा लेकिन वो किसी पे कौन से पेड़ को लगेगा, कौन किसको नहीं लगेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा है वो हवा, मलय हवा। लेकिन विशेष करके मलयागिरी में विशेष उसको लगने के कारण अधिक से अधिक माने आप विशेष करके मैंगलोर से उडुपी तक जो जाएंगे उस एरिया में भी बहुत है, मैसूर एरिया में, मैसूर सैंडल जो कहते हैं, मैसूर सैंडल है, कर्नाटक प्रांत, तमिलनाडु प्रांत,
आंध्र, उसी क्रम में उड़ीसा में भी बहुत चंदन है, उड़ीसा के जंगल में, और बंगाल में थोड़ा थोड़ा है, उसके ऊपर और नहीं है, बिल्कुल नहीं, आसाम प्रांत में भी नहीं है, तिरुपति में है बहुत, तिरुपति में भी है, आंध्रा में है, तिरुपति तो प्लांटेशन भी कर रहे हैं वो लोग तिरुपति बालाजी के लिए, लगभग 100 एकड़ में चंदन का केवल वृक्ष लगाया गया है, 100 एकड़ उनके टिटिडी के द्वारा, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा चंदन लगाया गया, क्योंकि उनका उनका सेवा भी बहुत उमदा स्तर का होता है, पूरा उनके पास समस्त प्रकार का कपूर का वृक्ष, कपूर का वृक्ष का भी लगभग 50-60 एकड़ में कपूर है वहाँ पे। तो इस प्रकार से यह दिव्य चंदन का जो प्राकट्य है, और विशेष करके हरिचंदन के क्रम में यह परिप्रकाश हुआ है, और हरिचंदन के क्रम में मलयागिरी का चंदन है, और रक्त चंदन है, और अन्य भी कई प्रकार के चंदन है, व्यावहारिक से हमको ज्ञान भी नहीं है, आयुर्वेदिक सूत्र में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन मूलभूत स्वरूप में यह जो चंदन जो है हरिचंदन के क्रम में प्रकट हुआ है। तो ग्रीष्म काल में भगवान को चंदन लगाने की विशेष विधि है, ग्रीष्म काल में उष्णता वृद्धि हो जाती है, सूर्य नारायण पृथ्वी पृष्ठ के निकट आ जाते हैं, इसी सूत्र में भगवान जो भक्त होते हैं भगवान की निर्दिष्ट रूप से प्रेममय सेवा करते हैं। इससे पहले देखेंगे जलदान शुरू होता है, जलदान शालिग्राम को, गिरिराज जी को, तुलसी जी को जलदान होता है, क्योंकि ग्रीष्मता बढ़ता है तो जल के द्वारा इसका निराकरण किया जाता है। उसके उपरांत भी जब जल के द्वारा भी यह समाधान नहीं हो पाता है तो व्यावहारिक सूत्र में उनको शीतलता का प्रतीक चंदन को लगाया जाता है, सर्वांगे हरिचंदनम, समस्त अंगों में सर्वांग उनको चंदन लगाया जाता है, और उसके उपरांत दिन भर चंदन तो सूख जाएगा इसलिए दिन भर उनको पानी का छिड़काव किया जाता है, सुगंधित जो पानी का छिड़काव किया जाता है जिसके द्वारा वो गीला रहे, और चंदन जो है एक तो सुगंध है, अपने आप में शीतलता है, और पानी को पकड़ करके, जल को पकड़ करके भगवान को निरंतर वो ठंडाहट को प्रदान करता है, और यही इसी के द्वारा विशेष करके ब्रजलीलाओं में भी देखा गया है कि भगवान की चंदन की सेवाओं के संदर्भ में विशेष वर्णना किया गया है। धीरा समीरे यमुनारती रे बसती बने बनमाली चंदन चर्चित नील कलेवरा पीता वसना बनमाली। तो इस प्रकार के चंदन के संदर्भ में विविध वर्णना किया गया है। तो चंदन जो है माने भगवान अपनी दिव्य अंगों में राधा रानी के द्वारा, गोपियों के द्वारा, मंजरियों के द्वारा वो उल्लास को, आनंद को प्राप्त करते हुए ग्रीष्म काल में, जैसे भौम जैसे गोलोक वृंदावन में तो एक ही काल है, माने काल है ही नहीं वहाँ पे, निरंतर माने बसंत का माहौल रहता है, वैसे दिव्य वृंदावन नित्य बसंत ही है, लेकिन भौम वृंदावन में वह बाधाएँ विघ्नएँ प्रकट होने के संदर्भ में ग्रीष्म की जो अवकाश लीलाएँ और माने बारिश की अवकाश लीलाएँ, तदुपरांत शीतकाल की अवकाश लीलाएँ, तो उसमें भावों का प्राकट्य अलग अलग स्तरों में होता है, बाधाएं आता है, तत्संदर्भ में मिलन भी अलग सूत्र को परिप्रकाश करता है। जैसे वृष्टि में वृष्टि में व्यावहारिक रूप से नदियों में, नाल में पानी वृद्धि हो जाता है, तब भी प्रिया प्रियतम अर्थात भगवान नित्य अनादि दिव्य दंपति राधा रानी और कृष्ण का मिलन के लिए वे अलग सूत्र जैसे क्षत्रियों को धारण करके जाते हैं, और उसी भीगे भीगे स्वरूप में प्रिया प्रियतम का मिलन होता है, राग अनुराग संवाद होता है, और उसी वृष्टि काल में ही झूलन होता है, झूला सावन के महीने पवन करे शोर है नहीं तो, और ये सावन का महीने में पवन शोर करता है, और आज जो आज कदम के डाली पर झूले राधा मदन मोहन,
राधा नंद किशोर। तो ये झूला में झूलते हैं, बारिश झिमिझिमी बारिश होता है, मल्हार का गान होता है। ब्रज की में तो अनगिनत झूला के कविताएं हैं, पदावली हैं, चाहे राधा वल्लभी परंपराएं हो या हमारे हरिदासी परंपरा के हो या गौड़ीय परंपरा के हो। तो ये विविध प्रकार की मिलन की जो सूत्रपात होता है इसी क्रम में बहुत ही आनंददायक होता है एवं समस्त वृंदावन को उस प्रेममय रस से परिपूर्ण कर लेता है। तो उसी सूत्र में ग्रीष्मकाल का मिलन में विशेष रूप से चंदन का लेपन एवं जल क्रीड़ा, शीतल जल में अनेक समय तक जल विहार नौका विहार करना, तदुपरांत उसमें स्नान करना। ठंडा में ये नहीं होता है, ठंडा में नहीं होता है, लेकिन ग्रीष्मकाल में यह होता है। तो भगवान चंदन का अंगराग लगा करके विविध श्रृंगार से श्रृंगारित होते हुए और विशेष करके भारी आभूषणों का श्रृंगार नहीं होता है ग्रीष्मकाल में। हल्का आभूषण लगाते हैं, हल्की सूती वस्त्र धारण करते हैं और विशेष पुष्प अलंकारों का, कलियों का विशेष स्थान भगवान के श्रृंगार में देखा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की यह दिव्य चंदन की अगर वृंदावन रस के अंतर्गत यह चर्चा किया जाए तो विविध प्रकार की उनको ठंडा पेय भी प्रदान किया जाता है, जैसे जूसेस हो गया, जूस हो गया माने फल रस जो हो गया, एवं विविध प्रकार की आयुर्वेदिक जो औषधि जो ठंडा करे, जैसे खस वगैरह हो गया, यह सब किया जाता है। और उनको इत्र में भी खस का इत्र ग्रीष्मकाल में लगाया जाता है जो कि ठंडा इत्र रहता है। पहले जैसे कूलर वगैरह में ना जो खस लगता था, आजकल तो खस जब से इत्र का व्यवसाय शुरू हुआ ये अभी बहुत महंगा हो गया, लेकिन हम देखें बाल्यकाल में जो कूलर वगैरह में खस का ही जो चेर माने क्या होता है जड़ पतली पतली वही लगता था और सुगंध करेगा, माने कूलर लगेगा माने पूरा रूम सुगंध करता था। आजकल तो वो उपलब्ध नहीं है, हम खूब देखें खूब, लगभग शायद 2005-06 तक यह था प्रचलन, उसके बाद ये सब आर्टिफिशियल सब घास कहाँ से आ गए सब लग रहे हैं या नहीं। और खस बहुत सस्ता भी था उस समय, अब खस से वो इत्र वगैरह कर रहे तो उसका कोई उसका महत्व बढ़ गया व्यावहारिकता में। तो जो भी हो इसी क्रम में भगवान को यह दिव्य चंदन का अंगराग लगाया जाता है, शीतलता का प्रतीक जो चंदन है। विविध प्रकार से भगवान को पेय शीतल पेय प्रदान किया जाता है, शीतल पुष्प प्रदान किया जाता है, विविध पुष्पों की पंखुड़ियों का उनको उनके ऊपर विचरित किया जाता है एवं बहुत स्नान करते हैं। नॉर्मली भी व्यावहारिक सूत्र में देखा जाता है लोग वाटर पार्क वगैरह जाते हैं, संसार के जड़भोगी जो लोग हैं, और हर की पौड़ी गंगा अधिकतर जाते हैं हरिद्वार में क्योंकि ठंडा जल है। अभी भी जाएंगे आप गंगा में टच करते ना पूरा काम हो जाएंगे, पूरा इतना ठंडा रहता है जल, क्योंकि गंगा जी पूरा हिमालय से निकल रही, अलकानंदा मंदाकिनी आदि आदि विविध प्रकार की जो नदियाँ हैं मिल करके गंगा जी का स्वरूप होती हैं और बहुत शीतल और औषधीय एवं गुणवत्ता वो जल रहता है। वैसे ही यमुना का जो जल, हम तो यमुना जी को दर्शन किए हैं, इतना स्वच्छ क्रिस्टल जल है यमुना नगर में और यमुनोत्री में भी। और व्यावहारिक सूत्र में मनुष्य की यह कर्मों के कारण यहाँ पे इस प्रकार का स्वरूप दिल्ली आगरा से लेकर के जितना शहर है उसको धूलिसात कर बैठे हुए हैं, परंतु इस अवधि में भगवान चंदन लगा करके तो अपने शीतलता को प्राप्त करते ही हैं, तत्सहित वे जल क्रीड़ाएँ भी करते। इसी क्रम में आप देखेंगे जगन्नाथ जी का जो चंदन यात्रा होता है वे अपने प्रकोष्ठ से अर्थात अपनी नवरस से निकल करके पालकी में विराजमान होते हुए अपनी परिकरों के सहित नरेंद्र पुष्करणी में वे जल विहार करते हैं, नौका विहार करते हैं। आते ही नौका विहार करते हैं और उसके उपरांत जलकुंड चंदन कुंड रहता है, चंदन अगुरु कपूर जायफल कस्तूरी विविध प्रकार का सुगंधी वस्तु डालकर कुंड किया जाता है और उस कुंड में मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी के सहित विराजमान होते हैं और कई समय तक उसमें गर्दन पर्यंत अर्थात गंड प्रदेश पर्यंत वे डूबे रहते हैं। तदुपरांत उनको भोगराग लगाया जाता है, आरती करने के उपरांत पुनः वे नवविहार लीला करते हैं और पुनः लौटते हैं।
इस प्रकार की दिव्य यह चंदन का जो दिव्य लीलाएं हैं संगठित होता है ग्रीष्मकाल की क्रम में। हमारी गौड़े परंपरा के क्रम में माधवेंद्र पुरीपाद का जो चरित्र है विशेष रूप से स्मरणीय है, वंदनीय है। गोपाल जो है शिनाज जी जो वज्रनाव के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह थे वे कालांतर में ऐसे ही क्रम में लुप्त हो गए थे, लता पताएँ झाड़ी कुंज के बीच में वे थे। माधवेंद्रपुरी को वे स्वप्नादेश दे करके वे बोले मुझे प्रकट कराओ। तदुपरांत ब्रजवासियों की सहायता से श्री माधवेंद्र पुरीपाद श्रीनाथ जी को अर्थात गोपाल जी को, उनका नाम गोपाल था, वे बल्लभ कुल में जाने के बाद श्रीनाथ जी पड़ गए, नहीं तो गोपाल विग्रह जो गिरिराज धारण किए थे वह स्वरूप गिरिराज जी में, इसलिए वज्रनाभ ने उनको गिरिराज धारण स्वरूप में हरिदेव एवं जो गोपाल दोनों विग्रह को प्रतिष्ठित किया था, दो विग्रह। तो हरिदेव विग्रह भी अभी माने कानपुर देहात में है मूल विग्रह, अब बाकी हरिदेव विग्रह हरिदेव मंदिर तो है ही यहाँ पे दान घाटी के पास। तो उस स्थान पे उनका प्राकट्य हुआ, उनको विविध प्रकार का अन्नकूट महोत्सव किया गया, ब्रजवासी बहुत आनंद उल्लास से उनकी सेवा पूजा किए। उसी क्रम में उनका दिव्य अभिषेक हुआ पंचामृत से लेकर के शीतल जलों से, और तदुपरांत गिरिराज जी के ऊपर ही वहाँ पे अनियोर नहीं वो क्या है जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है जगह का नाम ना अनियोर ग्राम में ही शायद यतिपुरा में श्रीनाथ जी का मंदिर अभी भी है, ब्रजवासी वहाँ पे जाते हैं लेकिन अभी वो नाथद्वारा में चले गए शिव विग्रह यवनों के आक्रमण के कारण। सब जब वृंदावन के विग्रह स्थानांतरित हुए उसी क्रम में नाथद्वारा में चले गए हैं। तो वे कुछ समय के बाद गोपाल जी बोले कि मैं अनेक काल तक था मिट्टी के अंदर झाड़ियों में, तो मुझे गर्मी लग रहा है, ग्रीष्मकाल आ रहा है, तो आप कृपा करके मेरे लिए चंदन का व्यवस्था करिए। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो प्राप्त होता नहीं उत्तर भारत में, तो उस चंदन की प्राप्ति के लिए यहाँ से वे पूर्व भारत की ओर गए अर्थात उड़ीसा उत्कल प्रदेश गए। तो जाते जाते वहाँ पे रेमुणा स्थान में गोपीनाथ जी का विग्रह था, और वे तो अजाचित ब्रह्म माने अजाचित सन्यासी थे, किसी को मांगते नहीं थे। तो गोपीनाथ जी देखे कि मेरा भक्त भूखा है, तो इसलिए अपनी खीर प्रसाद को माने ओटा हुआ जो दूध है, कल जैसे हम शाम को पाए थे निताई गुरु सुंदर लाए थे उस टाइप का प्रसाद ही मानो उसको वो ग्रहण किए अमृत के लिए, जिसको गोपीनाथ जी नित्य ग्रहण करते हैं। तो एक अमृत के लिए के भांड को वो छुपा के रख दिए थे अपनी भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। शून्य हाट में वे शयन कर रहे थे, तो अपने पुजारी निजी पुजारी को जो मंगल आरती में उनको जागरण कराने वाले थे उनको वे स्वप्नादेश दिए कि मैं अपनी उत्तरीय के पीछे वो अमृत केली को छुपा के रखा हूँ, तुम मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी को प्रदान कर दो। उसी क्रम में वे स्नान शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के मध्यरात्रि में प्रवेश किए और देखे दिया जला के देखे कि गर्भगृह में भगवान अपनी उत्तरी के पीछे वास्तविकता में अमृत केली का भांड अर्थात खीर जो है छुपाए हुए हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए एवं उसको लेकर के शून्यहाट में बोले कि कौन माधवेंद्रपुरी है, कौन माधवेंद्रपुरी। तो शून्यहाट में जो रेमुणा प्रांत के शून्यहाट है वहाँ पे वे विश्राम कर रहे थे, कुछ खाए नहीं थे। तो उसको इस समस्त कथाओं को जब सुने बड़े आह्लादित हो गए और आनंद से गोपीनाथ जी के द्वारा चोरी किया हुआ वह अमृत के लिए को खीर को ग्रहण किए एवं उसकी मटका को भी फोड़ करके रखे कि एक एक दिन उसको थोड़ा थोड़ा खाता रहूँगा, क्योंकि यहाँ इस मटका को स्वयं गोपीनाथ जी स्पर्श किए हैं। तो इसी क्रम में वे यह लीला संगठित हुआ, आगे चल के उनको प्रतिष्ठा ना मिले और प्रचार हो जाएगा इसी क्रम में उनको, तो वो तुरंत ही रातों रात ही वहाँ से चले गए जगन्नाथपुरी और उसी प्रांत में चले गए। जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किए एवं राजा से भेंट किए और चंदन की भिक्षा मांगे, तो पहले कालों में राजा महाराज साधु संतों को सहर्ष रूप से ऐसे दान प्रदान करते थे भगवत सेवा के निमित्त, आजकल तो कोई नहीं करेगा।
परंतु उस काल में मंदिर करना, भगवत विग्रह की सेवा करना कोई कठिनाई नहीं थी। व्यावहारिकता में सहजता से सब प्राप्त करते थे, राजा महाराज उनको देते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको पर्याप्त चंदन एवं कपूर दोनों ही दिया और कुछ सिपाही को भेजा, क्योंकि चंदन का चोरी ना हो जाए सुरक्षा के क्रम में, क्योंकि उसी समय में इससे पता चलता है कि चंदन बड़ा विशेष था, अभी भी है, अभी तो बहुत है। तो चंदन को लेके आए और इधर पुनः जब गोपीनाथ जी के होते हुए तो जाना है, वही रास्ता था, तो उसी क्रम में गोपीनाथ जी वहाँ पे स्वप्न, माने गोपीनाथ जी स्वप्न देख करके, तो तू गोपाल को और चंदन लगाने जा रहा है और मुझे नहीं लगा, मुझे भी तो गर्मी लग रहा है। तो बोले मेरे ठाकुर तो गोपाल है जो कि गोवर्धन में जतिपुरा के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं क्या करूँ। तो स्वयं गोपाल जी भी स्वप्नादेश करके, अरे मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर है नहीं, इसलिए जितना चंदन जो लाए हो वो गोपीनाथ जी को ही लगा दो। अब सोचिए, उनकी निजी विग्रह गोपाल थे, उनका संदर्शन करना, उनका लाड़ प्यार लगाना उनकी मूल क्रम था, और इतना अभिन्न सूत्र सूत्रपात हुआ, माधवेंद्रपुरी और वृंदावन वापिस लौटे नहीं, सब छोड़ दिए है ना, माधवेंद्रपुरी और लौटे नहीं वृंदावन। वो चंदन को वहाँ पे लगा, वो पहला सूत्रपात क्या हुआ, तो वो अक्षय तृतीया का दिन, एक दिन पहले पहुँचे, तो अक्षय तृतीया के दिन चंदन की, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु काल बढ़ गया था, तो और जगन्नाथ जी में भी चंदन की यात्रा का क्रम जो स्कंद पुराण में वर्णन, ऐसा नहीं कि कोई मनोधर्मिक यह यात्राएं हैं, जगन्नाथ जी की जो 12 यात्रा होते हैं वो स्कंद पुराण में स्वयं जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न महाराज को कह रहे हैं कौन कौन से यात्रा करना है मेरे लिए। उनमें से कह रहे हैं चंदन यात्रा, 42 दिन का चंदन यात्रा करना है, 21 दिन बाहरी चंदनी होगा, मुझे पालकी में कह करके पुष्करणी लिया जाएगा, वहाँ पर जलक, वहाँ पर नवविहार होगा, उसके बाद जलक क्रीड़ा होगा, पुनः नवविहार होगा और लौटूंगा। उसके बाद और 21 दिन भीतरी चंदन, अर्थात वे बाहर को निकलेंगे नहीं, लेकिन चंदन कुंड में वो स्नान करके, वे श्रृंगार हो करके वो शीतलता को प्राप्त करेंगे। ऐसे 42 दिन की चंदन यात्रा, अब जैसे आज अंतिम है, लेकिन और 21 दिन भी चंदन यात्रा होते हैं जिसको अंत चंदन यात्रा कहा जाता है। तो इसी क्रम में वह चंदन यात्रा का भी अक्षय तृतीया को तो था ही, उसी क्रम में वो पहुँच भी नहीं पाते व्यावहारिकता में वृंदावन में। तो गोपीनाथ जी बोले कि हमको लगा दो, और गोपाल जी इसकी स्वीकृति दे दिए। तो पुजारियों ने भी बड़ा उत्साहित हुआ कि चंदन मिलना, उस समय में बड़ा कठिनाई था इतना चंदन, और गोपीनाथ जी का विग्रह को सर्वांग चंदन अक्षय तृतीया से लेकर के अंतिम जो 21 दिन तक किया गया। तो हर एक दिन अलग अलग श्रृंगार से श्रृंगारित होते, कोई दिन गोपीनाथ जी का नटवैरवेश होता, कोई दिन गोचारण श्रृंगार होता, एक्चुअली 21 दिन 21 श्रृंगार होता है चंदन के सहित, मदन मोहन जी का भी होता है अभी नित्य। तो उसी सूत्र में जब इनको अलग अलग श्रृंगार भगवान की अलग अलग वृंदावन, अर्थात वृंदावन ही प्रकट हो गया, नटवर लीला, गोचारण लीला, दधिमंथन लीला और दान लीला आदि आदि लीलाओं का वो मंचन होता है भगवत श्री विग्रहों में। तदनुसार जो छोटे छोटे बच्चे इस लीलाओं को भगवान के सामने नाटिका के क्रम में करते हैं, गीत गायन होता है, और तत्सहित भगवान नवविहार करते हैं, चंदन कुंड में स्नान करते, विविध भोग लगता है, विशेष करके ठंडा ठंडा फल और पेय जिसको पणा कहते हैं, जूसेस जो होता है वो लगता है, और मिष्ठान लगता है, पीठा बहुत लगता है। बड़ा सुंदर उत्सव होते हुए वे इस क्रम में वे जब ये सब लीलाओं को दर्शन कर रहे थे माधवेंद्रपुरी, तो वे और गए नहीं, कोई ना कोई उत्सव आता, चंदन अभी समाप्त हो जाएगा, कुछ काल के बाद झूलन आ जाएगा, झूलन के उपरांत जन्माष्टमी आ जाएगा, जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी, राधाष्टमी के बाद ऐसे उड़न षष्ठी, ऐसे चलता रहेगा। उत्सव महोत्सव का तो केंद्र बिंदु होता ही भगवत विग्रहों के स्वरूपों में। तो वे अभिन्न वृंदावन को विचार करते हुए गोपीनाथ जी में वे रह गए, और अभी भी माधवेंद्रपुरी का जो समाधि है वो रेमुणा में ही है, रेमुणा में खीरचिरा गोपीनाथ के सन्निकट वह समाधि स्थली है। इसी सूत्र में हमारे गौड़ीय परंपरा में भी चंदन यात्रा का क्रम प्रारंभ हुआ अक्षय तृतीया से लेकर के 21 दिन पर्यंत।
और ये चंदन लगाने की परंपरा ऐसा नहीं केवल गौड़ीय परंपरा में, समस्त परंपरा में यह चंदन की परंपरा है। विशेष करके बिहारी जी के चरणों में भी चंदन लगाया जाता है, उनका चरण दर्शन होता है। हम गए थे गौड़ गोविंद, उनका भी सर्वांग दर्शन हो रहा था, चंदन लगाया हुआ था उनके शरीर में। राधा रमण से लेकर के राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर भी सर्वांग चंदन अक्षय तृतीया को लगाते हैं। उस संपूर्ण शरीर में इतना चंदन का प्रयोग करना व्यावहारिकता में बड़ा कठिनाई होता है, इसलिए एक दिन ही लगाते हैं। हमें वृंदावन अक्षय तृतीया के दिन ही लगाते हैं और किसी किसी स्थान पर आज के दिन लगाते हैं। परंतु गौड़ीय मठ में देखा गया, बड़े बड़े विग्रह होने के उपरांत भी उनमें इसमें बहुत विशेष माने जन्माष्टमी राधाष्टमी तो एक दिन का उत्सव था, लेकिन 21 दिन का यह उत्सव संपूर्ण बड़े विग्रहों में ही पूरा चंदन का लेपन होता है। तो बहुत इसको विशेष रूप, क्योंकि माधवेंद्रपुरी की यह जो लीला के क्रम में श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर चंदन यात्रा को विशेष महत्वता प्रदान किए थे कि भगवान को सुशीतल चंदन लगाना, बड़े सुंदर श्रृंगार होता है और पूरा फूलों का कलियों से पुष्पों से श्रृंगार होता है। तो उसी सूत्र में हमारे परंपरा में भी चंदन यात्रा का उत्सव है। भगवत अनुकंपा से हम सभी श्री राधा वेणु माधव की प्राकट्य से ही, जब से वे नोएडा में भी थे तभी से चंदन लगे, या पहले भी जब हम बाल्यकाल से ही जब थे माने स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में चंदन लगाते थे। तो इस प्रकार से हमारे भी प्रयास है कि राधा वेणु माधव यत्किंचित इसके द्वारा प्रसन्न हो और चंदन का लेपन उनके शरीर में सर्वांग रूप से हो ही रहा है, अभी भी चल रहा है, घिसाई भी चल रहा है तो चंदन का, तो वे हमारे हृदय चंदन भी उनकी चरणों की कृपा से वह चंदन हमारे हृदय में भी जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य का जो धधकता अग्नि जल रहा है अनेक कल्पों से अनेक युगों से अनेक जीवन से ही, उनकी चंदन की वो चंदन की शीतलता हमारे हृदय को भी शीतल करे, उसको ग्रहण करे। तदनुकृपा के अनुसार गुरु के अनुगत्य में हम उनकी सेवा करते हुए मन बुद्धि अहंकार का प्रयोग ना करें, विशेष करके मन का प्रयोग जिसके द्वारा हमारे मस्तिष्क भी शीतलता को प्राप्त करे। बोलते ना माथा गर्म हो जाता है बोलते हैं, तो इसलिए चंदन माथे को हृदय को और सबको शीतलता प्रदान करे, यही श्री श्री राधा वेणु माधव की चरण सानिध्य में बार बार प्रार्थना है। क्योंकि यह सुवर्ण अवसर, यह शीतलता प्राप्त करने का अवसर, यह शांति को प्राप्त करने का अवसर बार बार नहीं आएगा, अब नहीं तो कब नहीं, इसलिए उनके चरणों में बार बार यही प्रार्थना है कि वह शीतलता का सूत्र केवल बाहरी स्तर तक वह सीमित ना रहे, अंतर्गत स्तर तक वह व्याप्त हो एवं विशेष करके हृदय परिपुष्टित होकर के गुरु कृष्ण के अनुगत्य में रहते हुए उस शीतलता को हम तत्त्वतः ग्रहण करें। श्री श्री राधा वेणु माधव चंदन यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, श्रील माधवेन्द्रपुरी पाद की, खीरचुरा गोपीनाथ की, गोपाल जीव की, श्रीनाथ जी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे।